आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों बॉम्बिंग्स ऑफ ग्यूर्निका, वॉर क्राइम है एक, बहुत लोग मारे गए थे दोस्तों, इतिहास का एक और काला चैप्टर। ये स्पैनिश सिविल वॉर का हिस्सा है। स्पैनिश सिविल वॉर एक्चुअली वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच में एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसको वर्ल्ड वॉर टू की रिहर्सल बोला गया, और ये मेंस में सवाल भी आया था, ठीक है, कि क्या स्पैनिश सिविल वॉर वर्ल्ड वॉर टू से पहले एक रिहर्सल थी। ऐसे करके एक बार यूपीएससी के मेंस में सवाल आया था, और सवाल आते हैं स्पैनिश सिविल वॉर से, तो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो स्पैनिश सिविल वॉर का पार्ट है ये ग्यूर्निका, बॉम्बिंग्स ऑफ ग्यूर्निका। ग्यूर्निका एक छोटा सा गांव है स्पेन में, और 3 साल तक स्पेन में सिविल वॉर चला, और अल्टीमेटली हम देखते हैं उसमें बहुत लोगों की, स्पैनिश सिविल वॉर में तो 2 लाख से ज्यादा लोगों की जाने गई, बहुत ही एक डेडलीस्ट इवेंट है। लेकिन ग्यूर्निका में भी बहुत लोग मरे, तो हम देखेंगे दोस्तों ये कहानी क्या है। या पेंटिंग देख रहे हैं, ये पाब्लो पिकासो जो कि महान पेंटर थे स्पेन के, वो भी थे, और उन्होंने ये 1937 जब ग्यूर्निका में बॉम्बिंग्स हो गई थी, बम गिर गए थे, तब सरकार ने बोला था कि आप इस पर एक पेंटिंग बनाइए, तो इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग बनाई थी। पिकासो की पेंटिंग वैसे इनिशियली समझ में नहीं आती है, बहुत ही ध्यान लगाना पड़ता है, क्यूबिज्म आर्ट है इनका, क्यूबिज्म फॉर्म ऑफ आर्ट में ये पूरी पेंटिंग करते हैं, अलग अलग मतलब पूरे सीन के टुकड़े कर देते हैं और उसके बाद उसको जोड़ देते हैं। तो क्या है इस पेंटिंग को, कैसे हम डिकोड करेंगे, इसका मतलब क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम बॉम्बिंग्स ऑफ ग्यूर्निका की बात करने वाले, और बहुत कुछ है जानने के लिए। सिर अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेंडा कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप देख लीजिए ग्यूर्निका ये कितना खूबसूरत है। द गार्जियन से मैंने लिया है, ये फोटो ली है। स्पेन जो है वो कोस्टल कंट्री है, ठीक है, तट पे है वो, बगल में अटलांटिक ओशन है, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ही खूबसूरत ये आप देख सकते हैं, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है पहाड़, और आप थोड़ा सा दूर चले जाइए तो ये आपको कोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, बड़ा ही शांत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। लेकिन कौन सोच सकता था कि 26 अप्रैल 1937 को इस पूरे एरिया को उड़ा दिया जाएगा और उसकी बहुत सारे लोगों की जाने चली जाएंगी, ठीक है ना, बहुत सारे लोग, 7,000 की पॉपुलेशन थी और 1,600 मारे गए थे, ठीक है। वैसे तो बोला अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इससे ज्यादा मारे गए थे, कुछ लोग बोलते हैं काफी कम लोग मारे गए थे, लेकिन इस पूरे शहर को उड़ाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि यहां से स्पेन का रास्ता खुल जाता है, ये स्पेन के नॉर्दर्न रीजन में पड़ता है, तो बहुत ही खूबसूरत है। वैसे पूरा स्पेन ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, स्पेशली जो लोग फॉरेन जाते हैं, ठीक है, तो स्पेन जरूर जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत यूरोप का स्पेन, मजा आ जाती है दोस्तों। मैं तो वैसे कभी नहीं गया हूं, लेकिन मेरी इच्छा है जाने की स्पेन में, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अब हम वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं स्पेन है कहां। आपको दिख रहा है स्पेन कहां है, ये रहा छोटा सा स्पेन, ठीक है, ये देखिए ये है स्पेन। तो पूरे यूरोप की बात करें, ये आप देख सकते हैं यूरोप, मैं वहां पर लिख गया सॉरी, ठीक है। तो अगर पूरे ये नहीं है, ठीक है सॉरी, मतलब ये इतना, अगर आप पूरे यूरोप की ही बात करें हम देखें तो बहुत ही छोटा है। भारत में अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को आप कंबाइन कर दें, उतना बड़ा भी नहीं होगा यूरोप, ठीक है। तो यूरोप काफी छोटा है, लेकिन उसके बावजूद इसने पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद किया। हम देखते हैं कि ये साउथ अफ्रीका, ये सॉरी अफ्रीका से भर भर के यहाँ पे साउथ अमेरिका ले गए लोगों को, और पूरा स्लेव ट्रेड इन्होंने किया। तो एक्चुअली यूरोप ने बहुत जुल्म किए हैं, यूरोप के काफी देशों ने, पुर्तगाल हो गए, यूनाइटेड किंगडम हो गए, फ्रांस हो गए, ठीक है ना, स्पेन हो गया, इन सब ने बहुत जुल्म किए हैं, और कहीं ना कहीं भैया कर्मों की तो सजा आपको मिलती ही मिलती है। तो ये सबको इनके कर्मों की सजा वर्ल्ड वॉर टू में मिली, तो ये चीज है। हालांकि इंसान को मारना बिल्कुल भी गलत है, और हम किसी भी तरीके से कोई भी जेनोसाइड या अगर किसी की जान जा रही है उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये देख लीजिए, ये जूम्ड इन मैप है। अब आप देख लीजिए दोस्तों कि क्या कौन सा देश किससे जुड़ा है। स्पेन आप देख सकते हैं, ये स्पेन, ये छोटा सा पोर्तुगल, ठीक है, ये बगल में ही है, कितना छोटा सा देश है, देखिए कितना छोटा सा देश है, और पूरे अफ्रीका को कंट्रोल करने चला था, कर भी लिया था अफ्रीका में, और भारत में भी आ गया था, इतना छोटा सा देश भारत में आ गया, और यहां पे उसने क्या किया, ये कोचीन में आया था, कोचीन में फिर बैटल लड़ी, उसके बाद फिर गोवा गया। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि आप मतलब यूरोप के इतने छोटे छोटे देश इतने बड़े बड़े देशों पर उन्होंने आक्रमण किया, और वो जीते, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और गन पाउडर की वजह से। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनकी जो आर्मी होती थी और इतना लालच दे देते थे ये दूसरे देशों को कि फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये रहा स्पेन,
ये पोर्तुगल आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बहुत ही छोटा सा पैसेज है, आप देख सकते हैं ना, यहाँ से मेडिटेरेनियन से अगर आपको जाना है तो आपको यहीं से जाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये फ्रांस है, फ्रांस की जो बाउंड्री है वो स्पेन से जुड़ी हुई है, तो भैया फ्रांस डेफिनेटली स्पेन की मदद करेगा ही करेगा। फिर आप थोड़ा सा स्विट्जरलैंड, बहुत ही खूबसूरत स्विट्जरलैंड, एल्प्स की खूबसूरत खूबसूरत श्रृंखला आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर और ऊपर चले जाए तो जर्मनी, फिर पोलैंड। जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड को इन्वेड किया था, यहीं से वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई थी, और पोलैंड में बहुत सारे ज्यूज रहते थे, सारे ज्यूज रशिया से भाग के पोलैंड में 50% ज्यूज रहते थे, और आपको पता ही हिटलर कितना ज्यूज से नफरत करता था, मेरा एक पूरा सेपरेट लेक्चर आप जरूर देखिएगा। फिर ये यूक्रेन हो गया, बेलारूस, ये तो खैर रशिया का हिस्सा है, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, मतलब हिस्सा था यूएसएसआर जब पूरा बना वो, ठीक है ना। तो ये चीज है, आप देख सकते हैं ये पूरा यूरोप, और ये टर्की है आधा एशिया आधा यूरोप में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्पेनिश सिविल वॉर की थोड़ी देख लेते हैं कि स्पेनिश सिविल वॉर क्या था। स्पेन में दोस्तों मोनार्की थी, ठीक है, अल्फांसो 14th जो है, नहीं अल्फांसो 13th, सॉरी अल्फांसो 13th जो है वो राज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब स्पेन में ये था कि हमको अब लिबरलिज्म चाहिए, हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमको अपने राइट्स चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, एक अच्छा कानून होना चाहिए, तो अब राजा को हटाओ। तो इसके लिए बहुत ये आउटक्राय हुआ कि अब नहीं हो सकता, और राजा बहुत, ये जो रूल है बहुत ही बेकार है, और कहीं पे भी अगर इलेक्शन नहीं होंगे दोस्तों, हर देश डेमोक्रेसी की मांग करता है, तो स्पेन में भी उठना शुरू हो गई। तो 1931 में हम देखते हैं कि अल्फांसो 13 को हटना पड़ा, फाइनली अल्फांसो 13 जो है वो हटे, और उसके बाद स्पेन एक रिपब्लिक बना, जिसको सेकेंड स्पेनिश रिपब्लिक बोला जाता था। लेकिन दिक्कत यह है, ये जो सेकेंड स्पेनिश रिपब्लिक बना, इसमें किसकी गवर्नमेंट आई? इसमें आई रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट। ये जो रिपब्लिकन्स थे ये लेफ्ट लीनिंग थे, ठीक है ना, ये एल होगा यहां पे, लेफ्ट लीनिंग थे, ठीक है। अब लेफ्टिस्ट जो होते हैं आपको पता है, वो कम्युनिज्म की बात करेंगे, वो बात करेंगे लोगों की, जो सबसे निचला तबका होता है वो जमीनों की बात करेंगे, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेफ्ट लीनिंग्स में, आपको पता ही है। तो भैया यहां पे कम्युनिज्म ना फैल जाए, कहीं दिक्कत हो जाएगी, तो रिपब्लिकन्स ने क्या किया कि नए नए रिफॉर्म्स लाने शुरू कर दिए। मैं देखिए, स्पेनिश सिविल वॉर एक बहुत ही टफ टॉपिक है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इट इज अ वेरी टफ टॉपिक, बट हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको बहुत आसानी से समझेंगे। स्पेनिश सिविल वॉर में कम से कम 6-7 लेक्चर 1-1 घंटे के निकलेंगे, बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है, लेकिन हम इसको बहुत ही आसानी से समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप फिर एक ओवरव्यू समझ लीजिए कि ये था क्या। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि रिपब्लिकन्स के हाथ में सत्ता थी, अब ये लेफ्ट वाले हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जमीनें बांटने शुरू कर दिए, रिफॉर्म्स लाने शुरू कर दिए, सब कुछ शुरू कर दिया जो लोग चाह रहे थे। लेकिन जमीनें किसके पास थी, इतने सालों से जमीनें किसके पास थी, पूरा फ्यूडलिज्म ही दोस्तों यूरोप से ही तो आया है ना, फीफ्स और सब, जितना भी पूरा ये जमीन का जो कंसेप्ट है ये पूरा यूरोप से चला, हालांकि पूरे देश पूरी दुनिया में ही होता था, दुनिया में जितने भी देश थे वो जमीनों का, तो क्योंकि जमीनी एक ऐसी चीज होती थी जिसके वजह से युद्ध होते थे और होते हैं, और वही एक वेल्थ होती थी, तो ये पूरी दुनिया में था, लेकिन यूरोप में इसका चलन जो है वो बहुत ज्यादा था। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि स्पेन में क्या हुआ, कि स्पेन में जब रिपब्लिकन्स आए उन्होंने बोला कि जमीनें बांट दो। अब ये जमीनें किसके पास थी, किसके पास होंगी, खुद सोचिए, ये जमीनें थी आर्मी लोग, आर्मी वालों के पास, ठीक है, जो वॉर लॉर्ड्स थे, जो बड़े ताकतवर लोग थे, जो राजा के लोग थे, जो चर्च था, उन सबके पास ये जमीनें थी, जमीनें उन्हीं को दी जाती थी, ये सब फर्स्ट और सेकंड नोबिलिटी में आते थे, फर्स्ट और सेकंड क्लास में सब लोग आते थे, और इनके पास ढेर सारी जमीनें थी। तो भैया आर्मी जो थी उन्होंने बोला कि यार ये क्या बकवास है, ऐसा तो चलेगा नहीं, तो मूड खराब हो गया। तो यहां पे रिपब्लिकन से भिड़ गए ये आर्मी और क्लर्क ने मिलके एक अलायंस बनाया जिसको बोला गया नेशनलिस्ट। तो लड़ाई किसके बीच में हो गई, रिपब्लिकन्स जिन्होंने तख्ता पलट किया और जिन्होंने बोला कि हम पूरे देश को रिफॉर्म कर देंगे, वर्सेस नेशनलिस्ट जिनकी जमीनें रिपब्लिकन्स बांट रहे थे पब्लिक को, और जो यहां पे बहुत सालों से थे, जो अपर क्लास के लोग थे। अब डेफिनेटली इतना आसान नहीं है जितना मैंने आपको बता दिया, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड और भी एक्टर्स है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें जुड़ी, बट फिलहाल आप ये याद रखिए कि रिपब्लिकन्स वर्सेज नेशनलिस्ट के बीच में जंग थी, ठीक है। नेशनलिस्ट बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं, ये लोग जो नया सरकारी तंत्र स्थापित करना चाहते हैं ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और नेशनलिस्ट रिपब्लिकन बोल रहे थे कि नहीं, नया नई सरकार तो बनके रहेगी, हम चेंज लाके रहेंगे, इतने सालों से तुमने हमको दबाया है, अब ये कुछ नहीं चलने वाला। अब दोस्तों यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो अगली चीज बताने जा रहा हूं। अब यहां पे इसको वर्ल्ड वॉर टू की प्रिपरेशन क्यों बोला जाता है, ठीक है,
इसलिए बोला जाता है क्योंकि रिपब्लिकन्स वर्सेस नेशनलिस्ट को सपोर्ट कौन कर रहा था भैया, यहां पे पेच है। रिपब्लिकन्स को सपोर्ट कौन कर रहा था, यहां पे देश आपस में भिड़े हुए थे। तो ये रिपब्लिकन्स को सपोर्ट कौन कर रहा था, ये रिपब्लिकन्स को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांस, इंग्लैंड, सोवियत। बिल्कुल, सोवियत, फ्रांस, इंग्लैंड रिपब्लिकन्स को सपोर्ट कर रहे थे। और नेशनलिस्ट को कौन सपोर्ट कर रहा था, ध्यान दीजिएगा जरा, नेशनलिस्ट को सपोर्ट इटली और हिटलर की जर्मनी कर रही थी, और इसमें जीता कौन, नेशनलिस्ट। और यहीं से वर्ल्ड वॉर टू का स्टेज सेट हो गया। ठीक है, जर्मनी के लिए ये एक रिहर्सल थी, उनके लिए प्रैक्टिस मैच था। जर्मनी जो अपनी पूरी, उसने एयरफोर्स को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया था, उसने बहुत बड़े बड़े आधुनिक हथियार बना लिए थे, तो वो स्पेन में जो सिविल वॉर हो रहा था उसमें टेस्ट करना चाहता था, और इटली के साथ भी यही था। तो वो नेशनलिस्ट, आप भाई देखिए, इटली में इटली में फासिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म वो होता है, और जर्मनी में भी हिटलर पूरा डिक्टेटर, तो डेफिनेटली वो नेशनलिस्ट को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब जर्मनी को लग रहा था कि सोवियत हमारे साथ आएगा, लेकिन सोवियत ने यहां पे रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया। ठीक है ना, अब लेफ्ट लीनिंग का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि पूरा कम्युनिज्म, ऐसा नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये लेफ्ट लीनिंग है, फिर इंग्लैंड और फ्रांस क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस इटली और जर्मनी को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते ना। तो ये चीज, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। तो यहां पे जीते कौन, जीते नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट जीते, और नेशनलिस्ट को कौन सपोर्ट कर रहा था, हिटलर। तो हिटलर जीत गया, हिटलर के लिए तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था कि मैंने अगर स्पेन में स्पेन को ही हरा दिया तो इसका मतलब मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूं, क्योंकि यहां पे हिटलर की आर्मी और उनकी लुफ्तवाफ जो उनकी एयरफोर्स थी उसने कमाल कर दिया था, बम बरसाए थे और पूरा का पूरा, पूरे के पूरे स्पेन को तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से नेशनलिस्ट जीते थे। ठीक है ना, तो ये चीज थी, इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे दोस्तों, बहुत ही दिक्कत थी। ठीक, तो ये चीज है। अब दोस्तों हम ग्युर्निका पे आते हैं। ग्युर्निका जो है वो बिलबाओ से 30 किलोमीटर दूर है। ग्युर्निका एक गांव है बेसिकली, ठीक है, ये एक छोटा सा गांव है। ठीक है, तो ग्युर्निका 30 किलोमीटर बिलबाओ से दूर है और ये फ्रंट है। ठीक है, अब मैं आपको मैप दिखा देता हूं, बेस्ट ये देख सकते हैं आप। ठीक है, आपको दिखा ये तो, हालांकि पूरा जो किस तरीके से आर्मी ने मार्च किया, ठीक है, ये जो नेशनलिस्ट थे इनका कैसे मार्च था, और इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, हिटलर सपोर्ट कर रहा है, इटली सपोर्ट कर रही है। ठीक है ना, तो ये चीज है। फिलहाल आप ये देखिए कि ये रहा ग्युर्निका। ठीक है, अब इसके बाद इसको जीत लिया, यहां पे बमबारी हुई, उसके बाद फिर ये और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे, और आगे, तो आगे आगे जाते जाएंगे, तो ये पूरे नॉर्दर्न स्पेन को जीत गए ये, और ये स्पेनिश सिविल वॉर की शुरुआत भी थी। ठीक है ना, 1937 में ये इवेंट हुआ था, अभी तो इसको बहुत लंबा खींचना था, तो ये शुरुआत तो ग्युर्निका से शुरुआत की। ठीक है, और यहां पे फिर उन्होंने बम बरसाने शुरू किया, और ये बिलबाओ, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट था, ग्युर्निका इसके अंदर आता था, छोटा सा गांव इसके अंदर आता था। ठीक है, और जहां पे फ्रंट बना के रखा हुआ था, जो जंगी मैदान था उससे सिर्फ और सिर्फ ग्युर्निका 30 किलोमीटर दूर था। तो ये चीज थी, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अब उस समय ग्युर्निका को नहीं पता था कि ऐसा हमारे साथ कुछ हो जाएगा। ठीक है, हाँ डेफिनेटली युद्ध के बादल तो मंडरा रहे थे, लेकिन ग्युर्निका एक बड़ा ही पीसफुल टाउन, तो ग्युर्निका बहुत ही पीसफुल शहर दोस्तों, 10,000 लोग रहते थे और बहुत ही सब अच्छे मिलजुल के रहते थे, बड़ा ही एक फार्म सिटी था। ठीक है, यहाँ पे खेती बहुत अच्छे से होती थी, किसी को नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, लोग अपने में मस्त थे। अब 26 अप्रैल आता है, 26 अप्रैल 1937, ऑलरेडी सिविल वॉर शुरू हो चुका है। ठीक है, नेशनलिस्ट और रिपब्लिकन ये दोनों ने कमर कस ली है। 26 अप्रैल को दोस्तों, हालांकि इसकी प्लानिंग बहुत पहले से ही हो गई थी, लेकिन 26 अप्रैल को दोस्तों ये मार्केट डे होता है। आपने देखा होगा गांव में मंडी लगती है, ऐसे ग्युर्निका में भी मंडी लगती थी, वो 26 अप्रैल को हर मंडे को मंडी लगती थी। ठीक है, तो 26 अप्रैल को मंडे होता है, तो इस समय और भी गांव के लोग आए होते हैं। ठीक है, एक फेस्टिवल टाइप का माहौल होता है, लोग एक दूसरे से चीजें खरीदते हैं, पूरी मंडी लगाई जाती है, तो समझ गए आप ये सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन किसी को पता नहीं कि अगले ही पल क्या हो जाएगा, सब लोग अपनी मस्ती में मगन होते हैं। ठीक है, यहां पे चीज, अब हम ये देखते हैं कि आपको पता ही है कि जो जर्मन की टेक्निक थी वो कैसे, ब्लिट्स क्रीक का मतलब क्या, एकदम से हमला करो, संभलने का मौका नहीं देना है। जर्मनी यही करती थी, दूसरों का ध्यान, मतलब दूसरे देशों का ध्यान बटा देती थी, और जहां लोगों को लगता था यहां हमला नहीं होगा वहीं हमला हो जाता था। इसको ब्लिट्स क्रीक कहते थे कि एकदम से हमला करो, बिजली की तेजी से हमला करो, ये लोग संभल ही ना पाए। और जर्मनी की जो एयरफोर्स थी वो बहुत इनकी जीत का कारण बनी, लुफ्तवाफ जो थी, ठीक है, ये कमाल इसने कर दिया। तो भैया यहां पे प्लेन्स में सब लोग, जितने भी फाइटर प्लेन्स थे,
उसमें आए, ठीक है। शुरू में कुछ 10 से 13 फाइटर प्लेन्स निकले और उसके बाद और फाइटर प्लेन्स ने ज्वाइन किया, बॉम्ब थे उन फाइटर प्लेन्स में और बॉम्ब को गिराना था ग्यूर्निका में। ग्यूर्निका पे कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी था, हालांकि ग्यूर्निका को एक ब्रिज था, ग्यूर्निका से थोड़ा सा दूर पे एक ब्रिज था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जैसा कि आप देखिए दोस्तों, ग्यूर्निका बिल्कुल नॉर्थ में आता है, ठीक है। अगर इसको आपने कंट्रोल में ले लिया तो आप यहां पे अच्छे से बेस सेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्यूर्निका है, लेकिन इसको एक ब्रिज जोड़ता था, ठीक है। अब उस ब्रिज को खत्म करने की कोशिश की, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि रिपब्लिकन्स जो थे, ठीक है, रिपब्लिकन्स को कुछ भी सप्लाई नहीं मिल पाए, क्योंकि जो सप्लाई थी वो ग्यूर्निका होते हुए जाती थी, ठीक है। तो इस सप्लाई को काट दें, बिल्कुल रिपब्लिकन्स को कुछ भी ना मिल पाए, ठीक है, साथ ही साथ ये लोग यहीं पे ट्रैप हो जाओ, यहीं पे मार दें। तो ये जर्मनी की पूरी स्ट्रैटेजी थी, नेशनलिस्ट ने साथ दिया, पूरी प्लानिंग होती है, और 26 अप्रैल को दोस्तों ये अटैक किया गया। अब यहां पे लोग बिल्कुल आराम से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शाम के 4:30 बजे पहली वेव आई, जब एकदम से प्लेन से एक के बाद एक बॉम्ब गिराए गए, बहुत सारे बॉम्ब गिराए गए, इधर पूरी अफरा तफरी मच गई, क्या हुआ लोगों को समझ में नहीं आया, और अगले 3-4 घंटे तक ये अटैक चलता रहा और बहुत लोगों की जान गई। कितने लोग मरे दोस्तों, ये अभी भी डिस्प्यूटेड है, कुछ कहते हैं कि 1654, कुछ कहते हैं कि 126, कुछ कहते हैं 800, लेकिन बहुत लोग मरे, ठीक है। 1600 तो लोग मरे, इतने तो पक्का मरे थे, ये तो बिल्कुल डेड श्योर है। ग्यूर्निका के लोग और जो बास्क गवर्नमेंट थी यहां पे, वो भी ये कहती है कि इतने लोग, 1654 लोग इसमें मरे थे, ठीक है, और पॉपुलेशन कितनी थी, 8 से 10 हजार। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये 3 दिन तक चला, ये 29 अप्रैल तक लगातार बॉम्बिंग चली, लगातार ग्यूर्निका पे बॉम्ब गिराए गए, और जो शांति का शहर था, इतना सब लोग अच्छे से रहते थे, एक ही झटके में पूरे शहर को उड़ा दिया गया। तो ये चीज थी। उसके बाद ये पेंटिंग देखिए दोस्तों, जब ये पूरा इवेंट हो जाता है, उसके बाद फिर पिकासो को बोला जाता है कि आप पेंटिंग बनाइए, और उसके बाद फिर पिकासो ने ये पेंटिंग बनाई। अब इस पेंटिंग को हम समझते हैं, जैसा कि मैंने बताया पिकासो की पेंटिंग को समझना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी हम समझते हैं। ये देख लीजिए, आपको लेफ्ट साइड में ये बुल दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो सांड है, आपको पता ही है स्पेन में बुल फाइटिंग और बुल्स की, हालांकि वो बहुत ही एक खराब चीज होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बुल फाइटिंग होती है, उन जो बुल्स होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जब खत्म होती है तो उनको मार दिया जाता है, तो बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत विरोध होता है पूरी दुनिया भर में, लेकिन बुल जो है वहां पे बुल फाइटिंग एकदम फुल ऑन है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये किस तरीके से इसकी आंखें और कैसे ये तड़प रहा है, ये दिखा रहा है कि जानवरों को भी नहीं बख्शा गया। फिर उसके नीचे आइए आप, उसके नीचे आप एक इस औरत को देख रहे हैं और उसके हाथ में इसका बच्चा है, आपको दिखा, ध्यान से देखिए, ये औरत है, कितनी बुरी तरह रो रही है, और इसकी हाथ में ये देखिए बच्चा, ये एग्जैक्टली ऐसा ही सीन हुआ था जैसा दिखाया जा रहा है, ऐसा ही सीन हुआ था, ठीक है, और ये रो रही है। तो देख लीजिए, इंसान के सामने एक मदर के हाथ में उसका बच्चा मर रहा है और वो कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आइए, ये आप देख रहे हैं, ये एक आर्मी मैन है, ठीक है, ये एक सोल्जर है, ये सिपाही है, ठीक है। ये सिपाही जो है, इसके एक हाथ में फूल है, एक हाथ में टूटी हुई तलवार है, ठीक है ना, लड़ते लड़ते मर गया, वीर गति को प्राप्त हो गया, शहीद हो गया। फूल ये होप को दिखाता है। इस पेंटिंग में आपको कई जगह बहुत से मायने हैं दोस्तों, बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन है इस पेंटिंग का, लेकिन इस पेंटिंग में आपको होप दिखाई देगी, आशा दिखाई देगी कि अभी भी आशा बाकी है, देख सकते हैं ना, ये फूल, फूल का मतलब आशा, बिल्कुल होप बाकी है, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद सेंटर पे आपको दिखाई दे रहा है घोड़ा, ये घोड़ा है, ठीक है ना, ये घोड़ा है, और घोड़े के नीचे ये सोल्जर जो है वो दबा हुआ है, घोड़ा कितनी बुरी तरीके से चिल्ला रहा है, ये चीज अच्छा। इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं, ये एक बल्ब टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है। अब इसके, हालांकि इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है, जिन्होंने मतलब जो पेंटिंग को डिकोड किया है, उनका मानना है कि ये दिखा रहा है, ये भगवान की आंख को दिखा रहा है कि भगवान सब देख रहा है और छोड़ेगा नहीं किसको, किसी को नहीं छोड़ने वाला जिसने भी ये किया है, तो भगवान की आंख है ये, ठीक है ना, वो कहते हैं ना तीसरी आंख। कुछ लोग बोलते हैं ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दिखाता है कि जर्मनी ने ऐसे ऐसे वेपन्स यूज किए, बॉम्ब उन्होंने बनाए, उनकी जो एयरफोर्स वो बहुत ही एक टेक्निकली एडवांस एयरफोर्स थी, साथ ही साथ जो वेपन्स यूज कर रहे थे, जो हथियार यूज कर रहे थे जर्मन के लोग, जर्मन के फोर्सेज, वो बहुत ही एडवांस थे, वो उसको भी दिखाता है, ठीक है, क्या है नहीं है, लेकिन जो भी है, ठीक है, मतलब बड़ा ही दर्दनाक है। उसके बाद दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये आप एक औरत देख रहे हैं, ठीक है, औरत आप देख रहे हैं, और ये मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, ये मैं समझ नहीं पाया एक्चुअली। और यहां पे ये भी देखिए, आप एक इंसान को देख रहे हो, और किसका, मतलब एकदम
बुरी तरीके से वो रो रहा है और बस ऐसा लग रहा है कि वो भगवान से पूछ रहा है कि कर क्या रहे हो, और तभी भगवान अपनी आंखें खोल देता है। तो इस पेंटिंग के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है दोस्तों, ठीक है, जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया, ठीक है, आप भी इसको डिकोड करने की कोशिश करिएगा। तो ये था लेक्चर बॉम्बिंग्स ऑफ क्यूर्निका पे, मैंने स्पेनिश सिविल वॉर बताया, क्यूर्निका के ऊपर बॉम्बिंग बताया, आप भी पढ़िएगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।